तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा आज का टॉपिक। तो चले सीधे चलते टॉपिक पर कि आपकी जितने सारे इमेज भूल गए हैं, लॉस्ट हो गए, खो गया है या पता नहीं है, किसी भी कारण से आपको मन नहीं पता है, तो उसको कैसे ढूंढेंगे। सिंपल प्रोसेस है, आप क्रोम खोलिए और यहाँ पर गूगल पर सर्च कीजिए। क्रोम में करना पड़ेगा, पहले दिख रहा है आपको फॉरगॉट ईमेल लिखना है, फॉरगॉट ईमेल, फॉरगॉट ईमेल। इससे आप सिर्फ ये नहीं कि आपका ईमेल खो गया है आप ढूंढ रहे हैं, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी मोबाइल नंबर पे कितने ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वो भी आप जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो आया है एंटर योर फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल साइन इन, ठीक है, इस पर चलते हैं। और यहाँ पर या तो फ़ोन नंबर डालिए या तो ईमेल आईडी डालिए, तो उस ईमेल आईडी पे कितने रिकवरी बना हुआ है वो पता लग जाएगा कि कितने सारे ईमेल आईडी के रिकवरी ईमेल आईडी ये वाला है या इस फ़ोन नंबर से कितने ईमेल आईडी रजिस्टर है। तो मैं फ़ोन नंबर के थ्रू जा रहा हूँ। यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर एक नाम पूछेगा, यानी कि अगर अलग अलग नाम से बना हुआ है तो भी यहाँ पर होगा, लेकिन आप यहाँ पर बिना नाम डाले अगर नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको डालना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए रेड कलर में आ गया तो ज़रूरी है। तो सिंपल मैं अपना नाम डालूँगा, अगर आपका दोस्त का किसी का आपने बनाया हो, आपने मोबाइल नंबर उस टाइम डाला था आपने रिकवरी, तो उस दोस्त का नाम डाल के आप देख सकते हैं सही में है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं अपना नाम डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी नाम डालेंगे तो बता देगा है या नहीं है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट करते ही ये बोलेगा, एक OTP जाएगा आपके मोबाइल पर, उसको डालिए। तो ठीक है, OTP मैंने कर दिया और OTP के इंतज़ार करते हैं। हाँ, OTP आ चुका है 177313। ठीक है, अब नेक्स्ट करते यहाँ पर उस सारे लिस्ट आ जाएंगे। देखिए उस नंबर से कितने सारे ईमेल आईडी बने हुए देख सकते हैं आप। ठीक है, ये सारे ईमेल आईडी जो है उसी नंबर पे रजिस्टर्ड है, देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा भी अकाउंट आप चूज़ कर सकते हैं, आप अगर भूल गए हैं तो उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड रिकवर ऑप्शन पर जाकर भी आप पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ही मोबाइल नंबर से ही आपका सारा चीज़ ढूंढ सकते हैं कितनी ईमेल आईडी। तो मेरे तो बहुत सारा ईमेल आईडी जो हमने पता ही नहीं था हमने बनाया था। अगर दूसरा ऑप्शन देखें कि आप अपना ईमेल आईडी डालिए और ईमेल आईडी डालने के बाद, जैसे मेरे ईमेल आईडी में डालता हूँ, तो इस ईमेल आईडी से कितनों का ईमेल आईडी इस ईमेल आईडी को रिकवरी बना रखा है। तो नेक्स्ट डाला तो यहाँ पर नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मान लो प्रदीप एक अंकल का नाम है, मैंने एक दिन बनाया था, मेरे को याद आ रहा है, इनको ईमेल आईडी मालूम नहीं। तो यहाँ पर बताया कि ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसका कुछ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, तो इस नाम को तो नहीं हुआ, ठीक है, तो कुछ और देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, मेरा नाम नहीं है, दूसरों का नाम है। देखिए ये भी बोला कि इसमें नहीं है, चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ, अपने नाम से है कि नहीं है पता लग जाएगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी के थ्रू भी होता है और मोबाइल नंबर के थ्रू भी होता है। यहाँ पर आपको एक OTP आएगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, क्या इंटरनल फ़ोन नंबर रिकवरी, तो यहाँ पर अच्छा ये गड़बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दोबारा साइन इन करना पड़ेगा, गूगल में चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फॉरगॉट ईमेल। देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों से हो जाएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया। ठीक है, अभी हम ट्राई करेंगे ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम मेरा नेम डाल देता हूँ ताकि झमेला ना हो। देखिए बताया कि एक OTP जाएगा ईमेल आईडी पे, OTP बताओ, तो OTP मेरा ईमेल आईडी पे, OTP मैं ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पर OTP ढेर सारे ईमेल आईडी है, इसमें आ चुका है OTP और 418602, और यहाँ पर 418602 डाल देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की वीडियो में, आप देखिए यहाँ पर भी ढेर सारे ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो रहा है जो कि इसमें के साथ में था। ठीक है, तो ढेर सारे ईमेल आईडी यहाँ पे भी शो हो रहा है, इस नंबर से भी इस ईमेल आईडी के रिकवरी ईमेल आईडी सारी है। या तो मैं अपना नाम डाला, अगर कोई और नाम डालते हैं, मान लो आपका आपके कोई दोस्त है किसी के भी नाम डालते हैं कि भाई
एक दिन बनाया था आपने उसी के नाम से, तो वो भी आप यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं लॉस्ट, उसको भी पता लग जाएगा भाई। वो अगर बोलता है आप भूल गए मेरा आईडी, तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं अगर आपने रिकवरी में आपने ईमेल आई या फ़ोन नंबर डाला है, या किसी और का भी ईमेल आईडी ऐसे ढूंढवा सकते हैं भाई उसकी फ़ोन नंबर के थ्रू, उसको पता नहीं है बेचारे को, तो आप ऐसे उसको मदद कर सकते हैं, ठीक है। चाहे फ़ोन नंबर के थ्रू, चाहे आप किसी के भी थ्रू आप करेंगे तो भी आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा फ़ोन नंबर करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे फॉरगॉट ईमेल, पहले पे जाएंगे और एक अलग से फ़ोन नंबर मैं डालता हूँ। तो यहाँ पर देखना, ये मेरा ही नाम डाल देता हूँ। बहुत सारा आईडी बना रखा है ना मैंने, पता नहीं कब कब क्या क्या बनाता रहता हूँ, पता नहीं लगता। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आएगा और यहाँ पे देखने कितने आईडी बनी है दिखाते हैं। 088067। देखिए इस नंबर के थ्रू मात्र 3 ईमेल आईडी बनी है इसी नंबर से, ठीक है। इस नंबर को 3 ईमेल आईडी पे है। तो इसी तरह से आप अपने मोबाइल नंबर से पता कर सकते हैं कितनी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, किसका है। नाम अगर अलग डालेंगे तो अलग नाम से भी आ सकता है। जैसे मैं अपना अगर बोस डाला है, और यहाँ पर अगर मैं कुछ और डालता हूँ, कुमार डालता हूँ, तो देखते हैं अकाउंट विद द इन्फॉर्म प्रोवाइडेड, देयर इज नो गूगल अकाउंट, तो उस नाम से है ही नहीं, ठीक है। तो नाम डालना है और OTP आएगा, OTP डालना है, तो आप पता कर सकते हैं कितने लॉस्ट ईमेल आईडी आपके पास है जो आप रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ है, और अगर हुआ है तो कमेंट जरूर करना। चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बंदे मातरम, जय हिंद।